जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, बाजार में मौसमी फलों की भरमार हो जाती है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि गर्मी के दौरान लू से बचाव में भी मदद करते हैं। ऐसा ही एक फल है फालसा, जिसे खाने में शरीर को ठंडक मिलती है और यह डिहाइड्रेशन से बचाव करता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो त्वचा की सुरक्षा करने में भी सहायक होते हैं और ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं। लखनऊ राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य और डीन प्रोफेसर माखनलाल का कहना है कि फालसा भले ही छोटा और गोल होता है, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ अनेक हैं। गर्मियों में इसका सेवन विशेष रूप से किया जाता। फालसा से तैयार शरबत गर्मी से राहत प्रदान करता है और यह शरीर को अंदर से ठंडा रखते हुए डिहाइड्रेशन से बचाव करता है। फालसा एक प्लांट है, पेड़ है, मीडियम साइज का, 20 से 25 फीट ऊंचा होता है और उसमें गर्मियों में सभी और जून होती है, कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो उसमें उसके फल आते हैं। फल उसके कालापन लिए होते हैं, पहले लाल होते हैं, फिर जो पकने पे कालापन लिए थोड़ा सा हो जाते हैं और खाने में जो है खट्टा और मीठा दोनों होता है। तो ये जो है आयरन से भरपूर है, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन से भरपूर है और ये जो है हमारे यहाँ दाह शामक कहा गया है, क्योंकि दाह इस समय गर्मी बढ़ती है तो बेचैनी बढ़ती है और जलन कुछ रहती है और पेशाब भी कम होती है उन सबको। तो इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा पसीना निकलता है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे वो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, सोडियम की मात्रा, और यही जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने में यही निकलते हैं पसीने के द्वारा, तो इसको बैलेंस करता है। तो इसका शरबत बना करके पीना चाहिए गर्मियों में, जो आपको बेचैनी होती है, जो जलन होती है वो दूर हो जाती है, शरीर के लिए ताकत प्रदान करता है। शरबत बनाने की जब बात कही तो बिना चीनी मिलाए या बिना गुड़ के शरबत बना करके डायबिटीज वाले भी थोड़ी मात्रा में ले सकते, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मीठा होता है, मीठा और खट्टा। खट्टा होने से इसका ये फायदा है कि ये जो है हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, खट्टा है, और मीठा होने से ये शरीर को ताकत प्रदान करता है। जैसा कि बताया इसमें कैल्शियम, पोटेशियम ये सब होते हैं, आयरन होता है, तो शरीर को ताकत भी देता है और दाह को शांत करता है, पित्त का शमन करता है, जो पित्त बढ़ जाता है उसका भी शांत करता है, एसिडिटी होती है उसको शांत कर देता है।